तो भाई यह है बिग डैडी ऑफ ऑल द बीस्ट और यह है अपने सुबोध भाई की जिनको अब एक साल हो चुका है और एक साल में इन्होंने यह गाड़ी तीस हजार प्लस चला दी है किलोमीटर तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या राय है इस बारे में इस गाड़ी को लेकर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है हेलो एंड राम राम टू ऑल गोलमा यूट्यूब फैमिली तो भाई जैसे कि भाई ने आपको बता दिया है कि अपनी बीस्ट को भाई एक साल हो गया पूरा कंप्लीट तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक रिव्यू वीडियो शूट करी जाए क्योंकि अभी तक मेरे को तो मतलब कहीं पे यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो मिल ही नहीं है कि किसी ने एक साल के बाद का रिव्यू डाला हो गाड़ी का तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपना एक्सपीरियंस पब्लिक के साथ शेयर करे जिससे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोस कॉन्स जो है लोगों तक पहुँच पाए तो भाई एक साल में ना गाड़ी तकरीबन हमने चला दी है तीस हजार प्लस लगभग पैंतीस हजार ही होने वाली है मैं आपको एक बार मीटर दिखाता हूँ आओ एक्चुअल क्या चल चुकी है गाड़ी क्योंकि लोगों को लगता है यार एक साल में तीस हजार पॉसिबल नहीं होती कई बार तो मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ भाई क्या चली है गाड़ी ये देखो दोस्तों एक्चुअल गाड़ी मैं जूम इन करता हूँ आपके लिए ये देखो भाई चौतीस हजार आठ सौ चौसठ तो ये एक्चुअल है भाई रीडिंग आपको मैंने चेकआउट करा दी है गाड़ी में बाकी मैंने अभी गाड़ी कराई थी भाई सर्विस लगभग तीस हज़ार रुपये हुई थी मेरी सर्विस पेड सर्विस थी तो जब मैं शोरूम में लेके गया तो मैंने बताया भाई एक साल कंप्लीट हो गया है तो उन्होंने कहा सर बीस हजार चल गई होगी आपकी गाड़ी मे बी तो भाई मैंने बताया उनको कि बीस नहीं तीस हज़ार गाड़ी चला दी है भाई तो वो भी बड़े शौक थे कि तीस हज़ार तो आपने वाकई में बहुत ज़्यादा चला दिए तो मगर भाई ली गाड़ी चलाने के लिए तो चलाएंगे ही और क्या तो भाई आज अपना बस यही है कि मैंने एक वीडियो ये शूट जो करने का सोचा वो इसलिए सोचा कि अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करू अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोस की गाड़ी में क्या क्या बढ़िया था और क्या क्या मुझे इस एक साल में अच्छा लगा गाड़ी में तो भाई सबसे पहले जैसे कि इस गाड़ी का नाम है बिग डैडी ऑफ ऑल एस तो भाई वाक्य में बिग डैडी है जब हम बैठते हैं ना भाई सीट पे ड्राइविंग सीट पे तो नो डाउट बहुत बढ़िया लगती है यार सीट पे भाई यहाँ बैठते हैं जब तो पूरा ऐसा लगता है आप किसी छोटी गाड़ी ऑल्टो टाइप गाड़ी के ना बिल्कुल ऊपर बैठे हो छत पे और जो विजिबिलिटी है भाई रोड की अल्टीमेट विजिबिलिटी आती है भाई ये देखो ये पूरी ये विजिबिलिटी आती है तो आपको पूरा बोनट यहाँ से क्लियर दिखता है सामने की सड़क पूरी क्लियर दिखती है और भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं बट अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी में मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आई यार गाड़ी में ऐसा कहीं नहीं है कि मैं खूब पहाड़ों में भी लेके गया हूँ भाई प्लेन में भी चलाऊँ तो ऐसा कहीं नहीं है कि गाड़ी टच हुई है नीचे से ऐसा कुछ भी नहीं है तो ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करूँ तो बिग थम्स अप फॉर दैट ऑल्सो और भाई एक चीज और मैं अच्छी बताना चाहूंगा यार ए सी बहुत बढ़िया वर्क करता है गाड़ी का। आ, काफी मतलब मैं जब राजस्थान गया था लास्ट ईयर तो टेम्परेचर था वहां पे अराउंड 48 के आसपास था टेम्परेचर तो वो बहुत बढ़िया ए काम कर रहा था तो ए भी बहुत बढ़िया लगा मुझे गाड़ी का तो भाई कुछ हमारे भी एक दो सवाल जवाब हैं जो हम चाहते हैं कि सुबोध से पूछा जाए और सुबोध उसका सही सही बिल्कुल जवाब दे तो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं भाई महिंद्रा वालों ने कुछ दे तो नहीं रखा इसकी तारीफ करने का पहले <laughs> ये क्लियर कर दो भाई तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि महिंद्रा ने दिया हो इतने बड़े यूट्यूबर भी हुए महिंद्रा कॉन्टेक्ट करे भाई छोटे मोटे बड़ा काम चला रहे हैं लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बस यही है तो ऐसा कुछ नहीं है बाकी पर्सनली मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी भाई इसलिए मैं ये सब रिव्यू और पॉजिटिव ऐसा नहीं है गाड़ी के बारे में नेगेटिव नहीं है नेगेटिव भी बहुत है यार वो भी आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलता रहेगा भाई सबसे पहले ये बताओ ये टॉप मॉडल लिया है तो इस गाड़ी में मतलब टॉप मॉडल क्यों लिया ये बताओ सबसे पहले कि मतलब नीचे बहुत मॉडल थे यार मेरे ख्याल से हाफ रेट में बेस्ट मॉडल स्टार्ट था इसका ना तो ऐसा टॉप मॉडल लेने के पीछे क्या वजह रही आपकी एक बार ये जानना चाहता हूँ मैं बस तो भाई आप पूछ रहे हो तो बता देता हो इसका भी कारण मैंने एक्चुअली पहले गाड़ी दो तीन चेंज कर चुका हूं मैं भाई वही अपना सेकंड वेरिएंट थर्ड वेरिएंट यही लेते थे टॉप मोस्ट लिया ही नहीं था कभी तो इस बार ये सोचा था टॉप मोस्ट मॉडल लेंगे और बाहर की एसेसरी कम से कम लगवाएंगे कम से कम क्योंकि आप मिडल सेगमेंट कोई भी लेते हो गाड़ी का तो उसमें कुछ ना कुछ एसेसरी आपको बाहर से इंस्टॉल करानी पड़ती है तो यही मेन कारण था कि मेरे को टॉप मॉडल ही लेना था इस बार गाड़ी का और इसमें प्लस ऑटोमेटिक के साथ फोर बाय फोर का बहुत मन था तो वो सिर्फ इसी मॉडल में अवेलेबल था भाई तो यही कारण था मेन टॉप मॉडल लेने का तो क्वेश्चन तो भाई, तो भाई साथ में सुमित भाई लगे हुए साथ में दो तीन आ गए भाई। तो रहा भाई के क्वेश्चन थे बीच में तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी क्लियर कर दिया जाए किसी को

जब भी भाई दिल्ली से बाहर जाते हैं एलेक्सा इसका काम करना जो है वो कम कर देता है मतलब काफी बार उसके नेट चले जाते हैं नेटवर्क नहीं आते तो ये सब चीजें अलेक्सा के साथ काफी बार आई है बाकी अभी तो मेरा अलेक्सा एक साल हो गया तो एक्सपायर हो गया एक अच्छी चीज है भाई जो भी महिंद्रा यूजर है उनको मैं बता देता हूँ अलेक्सा के जो रेट है अभी डाउन हुए हैं थिंक 2000 कुछ का उसका एनुअल का भी रिचार्ज का जो है ऑप्शन है, तो हाँ है एक साल तो भाई ऐसा तो नहीं है महंगा पड़ रहा है, नहीं, नहीं. एक साल नहीं तो पहले इसका फाइव थाउजेंड कुछ का रिचार्ज होता था एक साल का तो अब जो है कंपनी इसका ढाई हजार के राउंड दे रही है तो अभी मैंने करा नहीं है क्योंकि इतनी नीड नहीं है भाई जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली करेंगे बाकी जो एलेक्सा कमांड से अपना

सब कुछ बढ़िया हो रहा है बाकी बीच में एक एक्सीडेंट छोटा सा हुआ था आपने वीडियो में देखा होगा तो उसके अलावा गाड़ी बढ़िया चल रही है भाई इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली कोई फॉल्ट नहीं आया एक बार आप गाड़ी चेकआउट करो दोस्तों पूरी गाड़ी और ये नॉर्मल क्लीनिंग होती है गाड़ी की मेरी बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई बहुत ज्यादा केयर वेयर ज्यादा नहीं हाँ बस ये है एक डिसेंट तरीके से गाड़ी को रखता हूँ मैं साफ सुथरी ज्यादा रेत वगैरह मुझे पस, गाड़ी में मतलब गंदगी पसंद नहीं है यार अंदर से बिल्कुल भाई अपना साफ सुथरी और सिंपल सोवर रखी हुई है और एक बार दोस्तों आपको मैं डिग्गी चेकआउट कराता हूँ यार बेन जो अपना डिग्गी है ना भाई ये देखो डिग्गी में थोड़ा सा सामान जरूर पड़ा हुआ है भाई तो माइंड मत करना ये बड़ा थोड़ा ऑफ रोडिंग गाड़ी है ना इसलिए ये सब भाई लेके चलते हैं इसमें खाने पीने का सामान है वो चूल्हा रखा हुआ है इधर ये अपना पानी की है और ये भाई अपनी स्नो चैन रखी हुई है और एक चीज और भाई किसी भाई को भी स्नो चैन चाहिए हो ना मेरे से इंस्टा पे भाई कनेक्ट कर लेना मैं कोई पैसे नहीं लूंगा फ्री में आप ले जाओ यूज करके मेरी वापस दे जाना तो अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भाई ये स्कीम है कोई भी भाई जा रहा हो ऑफ रोडिंग करने स्नो चैन चाहिए हो तो मेरे से ले लेना ले फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को कोई चार्ज नहीं लेना हाँ आपका काम हो जाए यूज हो जाए तो उसके बाद आप रिटर्न कर देना भाई इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो जो इसमें साइड में डोर दे रखा है जैसे आप रहे हो डिक्की पीछे से भाई डोर नो डाउट बहुत तरफ होना चाहिए वाला वाला आपको, तो आपको लग भी रहा होगा देखने में इतना स्पेस मतलब आपके लिए है गाड़ी का और जो ऊपर खुलता है उसमें एक चीज प्लस होती है यार कि आप उसके नीचे खड़े हो थोड़ा सा अपना अगर बारिश वारिश काइंड ऑफ कुछ भी आ रहा है तो उसके नीचे आप थोड़ा सा काम कर सकते हो इसमें यह है कि बारिश अगर आ रही है तो भाई आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते बूट अपना ये है भाई एक बार पीछे से गाड़ी दिखा तो कितना फुट हो जाएगी यार? ये नहीं 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 कुछ भाई अब बिग डैडी नाम है तो जगह तो लेगी ऑब्वियसली बिग डैडी ऐसे ही तो नहीं कहा गया यार गाड़ी को बाकी ये थी भाई बूट की बात और इंटरनल आपको सारी गाड़ी मैंने इंटीरियर वगैरह चेकआउट करा दिया दोस्तों तो भाई एक नेक्स्ट जो प्रो मैं बताना चाहूँगा यार आपको काफी बढ़िया और जो आपने मेरे से पूछा था टॉप मॉडल तो टॉप मॉडल लेने का कारण भी था वो और मुझे अच्छा भी लगता है इसका गाड़ी का भाई बात करें अगर म्यूजिक सिस्टम तो म्यूजिक सिस्टम नो डाउट बहुत बढ़िया है और इसमें एक सब भी दे रखा है यार टॉप मॉडल में तो उससे साउंड ना बहुत रिफाइंड तो की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है तो वो कहीं ना कहीं ना यार वायर वगैरह शॉर्ट हो जाती है या तार अंदर निकल जाती है तो वो थोड़ा बद्दा लगता है गाड़ी में और इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है भाई सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड था तो वो बहुत बढ़िया रहा भाई एक सीट का और बताओ वेंटिलेटेड सीट है टॉप मॉडल में ये आपने ना अल्टीमेट सवाल पूछ लिया बहुत बस एक यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसमें गाड़ी में ना सबसे जो मैं भी मिस करता हूँ कि टॉप मॉडल होने के बावजूद गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट नहीं है मैं आपको चेकआउट कराता हूँ एक बार इधर आओ ऑल द वाई गाड़ी देखने में ना सीट ऐसा लगता है कि वेंटिलेटेड है बट बत... इस गाड़ी में यही कमी है इसमें कुछ ऐसे लग तो रहा है से ऐसा तो नहीं मुझे भी डाउट हुआ था ये इस गाड़ी में जब मैं नहीं लेने गया था पास से दिखा रहे थे कि ये वेंटिलेटेड है बट ऐसा नहीं है भाई वेंटिलेटेड सीट नहीं है इसमें भाई ये टॉप मॉडल सस्ते में दिया है क्या कुछ नहीं भाई जितना इसकी एक्चुअल वैल्यू थी उतने में ही दिया है ये सस्ते में कुछ नहीं दिया ये कहना चाहोगे मतलब इन्हें महिंद्रा वालों के लिए अगर कोई सजेशन हो तो टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट होनी चाहिए या नहीं बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए भाई वेंटिलेटेड सीट तो मस्ट हैव चीज है ये मेरे को कब हुआ था था मैं गया जैसलमेर ट्रिप पे तो राजस्थान में आपको पता ही है गर्मी रहती है भाई काफी तो वहाँ पे ड्राइव भी काफी लंबी हो गई थी एक ही दिन में हम गए थे जैसलमेर दिल्ली से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी तो तेरह चौदह घंटे की ड्राइव होगी थी अपनी उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि इसमें वेंटिलेटेड सीट होनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स अगर आप कर रहे हो और नो डाउट यार इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो लॉन्ग ड्राइव्स के आप शौकीन हो गए तो लॉन्ग ड्राइव्स में भाई वेंटिलेटेड सीट होनी चाहिए तो एक अच्छा पॉइंट मिल जाता गाड़ी में तो दोस्तों ये थी अपनी कुछ प्रोस गाड़ी के बारे में जो मुझे लगा शेयर कर देनी चाहिए तो भाई सुबोध भाई ने इतना सब तो बता दिया अब भाई तीस हजार कितनी चला दी पैंतीस हजार गाड़ी चला चुका है तकरीबन तो एक बार माइलेज तो बतानी जरूरी है भाई सारी चीजें तो बढ़िया बता दी इतनी बड़ी गाड़ी में जो छोटा सा एक नुकसान लोगों को फील होता है वैसे तो भाई एक बात बताऊँ मुझे ऐसा लगता है जो इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है वो भी टॉप मॉडल तो मेरे ख्याल से माइलेज नहीं सोचेगा भाई बाकी आप सुबह से पूछते हैं कि फिर भी माइलेज कितनी है गाड़ी की और एक चीज और पूछनी है कि इसमें इंजन कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है भाई तो भाई अपने सुमित भाई कह रहे माइलेज के बारे में नहीं बताया गाड़ी और आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट था जो मैं शायद भूल गया था तो दोस्तों माइलेज की अगर मैं बात करूँ ना यार ऑटोमेटिक वर्जन है मेरे गाड़ी का माइलेज ईजिली गाड़ी थर्टीन

ये तो बात है भाई अपना हाईवे ड्राइव की और रही बात सिटी ड्राइव की जो मैं डेली यूज कर रहा हूँ इसे दिल्ली वगैरह में तो उसमें भाई दस ग्यारह ये माइलेज आ रही है और अब बात करते भाई अपना इंजन की क्या परफॉर्मेंस रही है इंजन कैसा इसका परफॉर्म कर रहा है तो दोस्तों मैं बता दूं भाई जो इंजन ट्यून करा हुआ ना गाड़ी का बहुत अल्टीमेट है बहुत बिग थम्स अप है फॉर दैट महिंद्रा ने काफी अच्छा काम करा है भाई इंजन के बारे में इसके अगर मैं कहूँ क्योंकि जब आप गाड़ी ऑटोमेटिक को यार चलाते हो ना तो जो गेयर शिफ्ट होते हैं उसी से पता चल जाता है गाड़ी में लैग हो रहा है या नहीं हो रहा तो इसमें लैग है नो डाउट लैग ऑटोमेटिक गाड़ी है तो होगा भाई लेकिन इतना मिनिमल है वो गैर कि उसका लैग का पता ही नहीं चलता बहुत मिनिमल लैग है भाई तो जैसे मैं पहाड़ों पे लेके जाता हूँ ना यार जो गेयर शिफ्ट वगैरह इसका और दो हजार के अराउंड गेयर शिफ्ट होता है गाड़ी का वो मुझे लगता है बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं अठारह के आसपास हो जाना चाहिए था लेकिन जब मैं पहाड़ों में लेके गया ना उस गाड़ी को भाई उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि वो दो हजार पे बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमें जब भाई पहाड़ चढ़ रहे हो तो गाड़ी में पावर चाहिए होती है स्पीड चाहिए होती है तो कहीं ना कहीं दो हजार पे गेयर शिफ्ट होना एक परफेक्ट मतलब टाइमिंग कह लो काइंड kind ऑफ of, तो सही उस टाइम मुझे लगा कि गाड़ी में दो हजार परफेक्ट दे रखा है बाकी प्लेन्स में लगता है कि कहीं ना कहीं अठारह पे होता तो ज्यादा अच्छा होता तो भाई अपना कुल मिला के ये था इंजन के बारे में अब हम बात करते हैं दोस्तों के गाड़ी में क्या कौन से भाई सबसे पहली कौन जो मुझे अभी तक काफी बार फेस हो चुकी मैं मैं दिखाता मिनट आप सबको इधर आओ यार और यार और इसके लिए ना मतलब इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रहा हूँ अगर मेरी यूट्यूब फैमिली में किसी को पता हो भाई या कोई स्कॉर्पियन यूज कर रहा हो तो डेफिनेटली बताना यार जो भाई एक गाड़ी की सीट है ना सीटिंग जब मैं लंबी ड्राइव करता हूँ तो इसमें लंबर स्पॉट भी है यार बट जो ये बैक है ना भाई यहाँ पे बैक में मेरे को पोस्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मैं बैठ के दिखाता हूँ एक बार आपको ये पोजीशन रहती है तो इसमें गाड़ी में यहाँ सपोर्ट थोड़ा सा कम लगता है मुझे बैक में जिसकी वजह से यहाँ पे सपोर्ट जिसकी वजह से ना थोड़ा सा पोस्चर ये हो गया यार ऑल गाड़ी ड्राइव करते हुए ऐसे रहना चाहिए पर यू हो गया पता नहीं मुझे या तो भाई मेरे साथ दिक्कत है या क्या है बट मेरे को बस जो एक मेन दिक्कत आ रही है वो ये है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पे अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे हल्का सा कम लगता है यार यहाँ मेरी थाई जो है ना यार हवा में है और यार सिटिंग पोस्चर ना जो पुरानी स्कॉर्पियो थी उसका मुझे इससे ज्यादा बेटर लगता है पता नहीं क्यों सबके अपनी अपनी ओपिनियन है भाई लेकिन मुझे इससे ये हाइट भी मैंने इसकी मैक्सिमम पे एडजस्ट कर रखी है उसके उसके बावजूद भी मुझे जो है भाई इसमें अंडर थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट की थोड़ी सी दिक्कत लगती है तो इसका मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ कहीं आफ्टर मार्केट कुछ सीट कवर वगैरह चेंज करके या कुछ और सोल्यूशन मिल जाए मेरे को किसी ने सजेस्ट करा था कि बैक की एक सीट भी आती है कोई तो मैंने वो ट्राई करी थी बट उससे क्या था ना यार बैक पे वो लगने के बाद जो नीचे का स्पेस होता है अपना बैठने का वो कम हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली वो पीछे थोड़ा सा स्पेस लेती है इस वजह से और बाकी हो सकता है भाई थोड़ी हाइट मेरी ज्यादा है मैं अराउंड सिक्स हूँ तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा अंडर थाई जो है है वो कम है इस गाड़ी में छोटी हाइट में इतना फील ना हो तो बाकी ये था भाई एक नेगेटिव सीट के बारे में और एक जो मैंने आपको अपने स्पीति व्लॉग में भी बताया था भाई वो लगता मुझे इसके फ्रंट ग्लास के बारे में भाई हल्का सा कंकर लगते ही ना टूट जाता है ये तो सुमित भाई भी एग्री करते होंगे है भाई करते हो भाई बिल्कुल तो हमने बिल्कुल भाई जरा सा था वो कंकर इतना मुझे इसका थोड़ा सा वीक है, पुराने वाली स्कॉर्पियो बाकी भाई अपना टायर्स वगैरह बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं सब अच्छा चल रहा है और दोस्तों कुछ और आपको भाई इसके बारे में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इंस्टा पे मेरे को रीच आउट कर लेना भाई मैं सबके सवालों का जवाब पक्का दूंगा और हाँ दोस्तों एक चीज और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ना यार तो मेरे ख्याल कोई भी गाड़ी ले लो आप मतलब वो सेवन सीटर हो या फाइव सीटर हो चार ही लोग आराम से जा पाते हैं क्योंकि इस पे मैं काफी ड्राइव्स जो है वो लंबी कर चुका हूँ तो इस पे जो कंफर्टेबली जाते हैं ना चार लोग जाते हैं यार पांचवा बंदा आते ही थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है गाड़ी में तो मेरी तरफ से तो भाई मैं यही कहूंगा कि चार लोगों के लिए ही कंफर्टेबल है गाड़ी हाँ बाकी बैठने बैठने के लिए पिछली सीट की मैं बात करूं तो वो बहुत बढ़िया है उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई वो बढ़िया है तो दोस्तों ये था भाई अपना एक्सपीरियंस जो मुझे लगा तीस हज़ार गाड़ी चलाने के बाद तीस हज़ार किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मुझे शेयर करना चाहिए आप सबके साथ तो मैंने यार शेयर कर दिया और भाई मेरी दिक्कत है सीट के साथ जो ड्राइविंग की मैंने आपको दिक्कत बताई अगर उसका सोल्यूशन किसी भाई के पास हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और भाई कुछ आपके और सवाल हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ बताना बाकी जो मेरे को लगा भाई डिस्कस करना चाहिए आप सबके साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने कर लिया यार तो इस व्लॉग को भाई करते हैं यही एंड और आपसे मिलेंगे फिर किसी और नए व्लॉग में किसी और नई टॉपिक के साथ टिल देन बाय बाय एंड